तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की कोड कंसेप्ट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके साथ बातचीत की थी कि कैसे वर्कबुक को ओपन क्लोज सेव सेवेज वगैरह करते हैं। आज हम आपके साथ इस पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट क्या है समझ आते हैं आपको, कि मेरे पास डाउनलोड में एक फोल्डर है डाउनलोड, इसमें डेटा है, इसमें हमें ईयर चल रहा है 2014, तो राइट क्लिक करना है और इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर का नाम रखना है 2020। अगर पहले से फोल्डर है तो कोई बात नहीं, 2020 इसलिए क्योंकि ईयर हमारा 2020 चल रहा है, ऑटोमेटिक पिक कर ले। अगर ईयर अगर 2021 है 22 है तो 21-22 का नाम का फोल्डर क्रिएट करें। फिर उसके अंदर में एक का न्यू वर्कबुक में महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर, दसवां महीना, दसवें का फोल्डर बनाए। फिर इसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, आज डेट है 14 तारीख, तो 14 का डाले, और फिर इसके अंदर राइट क्लिक न्यू फोल्डर, 14 बन गया, इसमें एक नई फाइल बने जिसका नाम हो 14.xls रखें। अब ऐसा क्यों बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइल सॉफ्टवेयर हैं जो फाइल को डाउनलोड नहीं, फाइल को राइट करते हैं, मतलब कि उसको आपको फाइल बना के देना होता है तब जाके उसके अंदर डेटा राइट करते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, पुराना सॉफ्टवेयर है, उसमें डेटा को हमें राइट करना है, जिसके लिए हमें फाइल बनाना है। तो फाइल को हम सिक्वेंसली अरेंज करके बनाएं ताकि हमें पता रहेगा कि हमारी फाइल कहाँ पे है, या उसके अंदर ऑटोमेशन वगैरह भी कर सकें। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोगों को, रवि जी करना क्या है समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। और आप सागर जी, आपको समझ में आया? ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर करना क्या है, ये चीज है बहुत जरूरी है समझना, ठीक है सर? एक बार सर थोड़ा दोबारा बता सकते हैं कि मैं दोबारा समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक लोकेशंस में मुझे इस साल 2020 का एक फोल्डर क्रिएट करना है, 2020 के अंदर में अभी जो महीना चल रहा अक्टूबर, उसका फोल्डर क्रिएट करना है। आज का डेट 14 है तो 14 का फोल्डर क्रिएट करना है उस मंथ के अंदर, और उस डेट वाले फोल्डर के अंदर में आज के डेट का फाइल बनाना है, ठीक है? चलिए इसके लिए हम माइक्रो बनाते हैं। तो एक मॉड्यूल्स में आते हैं, सब्जेक्ट फाइल अंडरस्कोर फोल्डर FLD। सर हम बेसिक कोड पे चल रहे थे ना लास्ट बार। हाँ बेसिक ही कोड बना रहा हूँ ना, हमने देखिए हर क्लास के बाद एक प्रोजेक्ट होगा ना। कल हमने आपको वर्कबुक करना सिखाया था, वर्कबुक के बारे में बताया था, उसी की अगली स्टेप है कि हम फाइल को यूज, उस कोड को यूज कहाँ करें। तो सबसे पहले इस चीज को जानना है कि आपको फोल्डर बनाने का कोड क्या होता है। तो फोल्डर बनाने का कोड होता है MKDIR। सर ये कोडिंग का सेकंड क्लास है ना? जी हाँ सेकंड क्लास है, MKDIR, मेक डायरेक्टरी। और फिर इसके अंदर जहां फोल्डर बनाना है उसका पाथ, और लास्ट में जो फोल्डर बनाना है वो आपको यहां देना पड़ेगा। तो MKDIR से हमने डाला, फिर इसको कॉपी करके फिर पेस्ट तीन बार पेस्ट किया। 2020 के अंदर में मुझे जो है 10 नाम का फोल्डर, और फिर 2020 में 10 में 18 नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए एक कोड आपके पास है, दिख रहा है सर? उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कबुक डॉट एड
डॉट, हमें पता है कि सेव भी करना है तो सेव एज, और यहाँ पे हमें पाथ देंगे कि इसके अंदर जाए और स्लैश 18.xls के नाम से फाइल बना दे, और फिर जो फाइल क्रिएट होता है वही ओपन होता है, तो हम यहाँ पे लिखता एक्टिव, लिखा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। अब आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा ना सर, बट तो मैनुअल कोडिंग हो गई ना, ये ऑटोमेट थोड़ी हुआ। अब मुझे कल स्क्रम करना है तो कल तो मुझे 14 नाम को फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा ना सर, 15 नाम को फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हर जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो ये ऑटोमेट कैसे होगा? मतलब कि जो 2020 है या 10 है या 14 है, ये ऑटोमेटिक डेट से पिक कर ले, सिस्टम डेट से पिक कर ले। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए पहले चीज को जानते हैं कि क्या है उसका कोड। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है टुडे का, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट दिखाता है, और ये हर बार चेंज होता है। आज आपको यहाँ 14 दिख रहा है, कल जैसे इस फाइल को खोलेंगे ये 15 हो जाएगा, परसों खोलेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हर दिन ये फाइल को इसका नाम जो है चेंज होगा, जी सर, ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो कुछ सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो ऐसा कुछ करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो, तो इसमें से ईयर कैसे निकलेगा? तो एक्सेल में फॉर्मूला होता है ईयर का, जो कि ईयर अलग करता है, मंथ के लिए मंथ का फॉर्मूला है, मंथ अलग करता है, और डे के लिए फॉर्मूला डे का है तो डे अलग करता है। तो VBA के अंदर भी आपका ये ईयर मंथ और डे वर्क करता है, ईयर मंथ और डे वर्क करता है, बट टुडे नहीं होता है। टुडे की जगह पे यहाँ पे होता है डे, क्या होता है डे। बट डेट अभी जैसे कि हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया तो किसी वेरिएबल पे लगाया ना सर, जैसे कि N6 पे लगाया, कल के डेट में मुझे अगर इसका कुछ यूज करना है तो मैं यहाँ पे N6 का रेफरेंस दे दूंगा। बट ये डेट कहाँ कर रहा है, डेट कहाँ कर रहा है? तो आप जो है यहाँ डायरेक्ट डेट नहीं लगेगा, इसके दो तरीके। पहला तरीका है कि मैं यही पे डेट लिख दूंगा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, इसके साथ एन परसेंट लगाना होगा और डे। अब एन परसेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे पहले से मान लीजिए कि मेरे पास डी यहाँ पे एक डी ड्राइव है और मुझे पूरा फोल्डर बनाना है, पाथ बनाना है, तो इसके साथ हम इसको कंबाइन करेंगे किससे, एन परसेंट से। तो सेम ये सिस्टम डेट को कंबाइन कर लेता है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहां पे हम बोलेंगे एन परसेंट डेट, देखिए डेट नहीं है सर इसमें, तो डेट के अलावा हमें फोल्डर का नाम चाहिए, 2020 चाहिए ना, डेट तो पूरा डेट दे देगा ना, तो मुझे इसको यहां देना होगा ईयर का फॉर्मूला, ईयर। ये क्या करेगा, डेट में से ईयर निकालेगा, और यहां भी डेट में से ईयर को हमने अलग किया, एन परसेंट स्लैश दिया, और फिर एन परसेंट हमने बोला मंथ किसमें से निकालना है, डेट में से निकालना है। और यहां भी हमें यहां भी 2020 के जगह पे ए डालना है, 10 के जगह पे मुझे ए पूरा डालना है, और डे के लिए फिर वापस डे का कोड लगाना है। चलिए आते हैं, 2020 चाहिए हमें तो हमने लगाया ईयर, और ईयर की जगह पे 2020 का सॉरी डेट कर देता हूँ डेट, फिर एन परसेंट, फिर हमने यहाँ पे स्लैश दिया, फिर एन परसेंट,
मंथ के लिए हमने यहाँ पे मंथ लगाया, मंथ में हमने यहाँ पे डेट दिया, फिर एंड परसेंट नहीं एंड परसेंट, और यहाँ पे स्लैश दूंगा मैं, और फिर यहाँ पे डे का फॉर्मूला लगाया और उसमें हमने डेट डाल दिया, तो सिस्टम डेट से पिक कर लिया। अब सेम पाथ मैं इसी पाथ को कॉपी करूंगा और यहां भी हमें लिखना है, लेकिन इसके साथ वापस एन परसेंट हमें देना होगा फाइल नेम के लिए, तो डे, और डे में हमने बोला डेट, और इसके साथ हमने कंबाइन किया डॉट एक्सलेस एक्स सेक्शन। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा सिस्टम डेट से, जब भी मैं फाइल खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली, जब भी सर्वर को रन करूंगा तो सिस्टम डेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो फाइल क्रिएट कर देगा। मैं एक बार इसको रन करके देखता हूं, मैं इसको रिलीज कर देता हूं, एक बार मैं इसको रन करता हूं। वर्क हो गया, यहाँ पे आइए, 2020 का फोल्डर बन गया, 10 का फोल्डर बन गया, 14 तारीख का फोल्डर बन गया और इसके अंदर फाइल बन गया। अब बताइए आप लोगों को इस कोड में क्या कंफ्यूजन है, फिर मैं इसको और सिंपलाइज करूंगा। सर ये मेरे लिए तो मतलब नया है वीवीए, तो मुझे थोड़ा अभी समझ में मतलब आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी मेहता जी आप बताइए। सर इसमें कुछ दिक्कत वाला तो नहीं है सर, ये रन तो हमेशा अपने आप करेगा जैसे डे के डे। सर इसको थोड़ा सा सिंपलाइज करता हूँ मैं, ठीक है? मतलब कोड तो ठीक है, हाँ सिंपलाइज करता हूँ। हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा y इक्वल टू ईयर, ईयर में हमने यहाँ पे दे दिया डेट, तो डेट पिक कर लेगा। n इक्वल टू हमने दिया मंथ, और यहाँ से m डेट दिया, m को पिक कर लेगा। एंड अगेन d इक्वल टू डे, और इसमें हमने दिया फॉर्मूला डेट का, और डेट पिक डे पिक कर लेगा। और जहां पे हमने जो फॉर्मूला लगा रखा था वहां पे y दे देता हूँ, ईयर का फॉर्मूला है वहां पे y, मंथ का फॉर्मूला है वहां पे m, इसी वहां पे y m एंड d, और यहां भी बाकी सब कुछ सेम रहेगा y m d और अगेन d। अब इसमें क्या हुआ, एक क्या है y m d है क्या, ये टेम्परेरी स्टेबल लोकेशन है। जैसे कि हमें कोई फॉर्मूला का रिजल्ट VBA में होल्ड करना होता है, क्योंकि एक्सेल पे तो हमें एक सेल मिल जाता है टाइप करने के लिए A1 B1 C1, लेकिन VBA में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमें एक YMD इस तरह से वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स जब यूज करते हैं तो वहां पे आप लोग XYZ लेते हैं ना, जी जी, जैसे आपने लिखा एक्स इक्वल टू 100, जहां भी 100 की जरूरत है वहां पे एक्स का इस्तेमाल किया, सेम चीज हमने यहाँ किया हुआ, तो हमने एक जगह पे होल्ड कर लिया और जहां जहां लेना है वहां वहां से यूज किया। इससे बेटर, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि देखिए ऊपर एक कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना सर, अभी चलिए सिंपल मान तो डे का फॉर्मूला, या फॉर्मूला बड़ा हो सकता है जैसे वी लुक का, बेस लुक का, मैथ, इंडेक्स, सम, इफ, काउंट, इफ, ऐसे बड़े फॉर्मूले हो सकते हैं ना सर, वहां दिक्कत करेगा, तो उस केस में हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी एक कोड, अभी भी इस कोड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा हैंग हुआ था सर। सागर जी समझ में आया कि नहीं आपको? बीच में आपका माइक चला गया था। हेलो
हेलो, आप सुन रहा हूँ, बोलिए ना। सर रवि बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर, अगर मान लीजिए कोड में थोड़ी सी गलती हो गई और कोई और काफी सारे मतलब फोल्डर वगैरह अगर ऐसे कुछ बन गए तो ये अंडू हो सकता है सर? मतलब नहीं, अंडू नहीं हो सकता। रिसेंटली मैंने कोई कोड लगाया तो मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स बन गई। नहीं सर, अंडू नहीं लगेगा सर, अंडू नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक पहला दिन चल जाएगा, दूसरे दिन इसमें दिक्कत होगा। दूसरे दिन दिक्कत क्यों होगा? दूसरे दिन दिक्कत होने के पीछे रीजन ये है जी कि 2020 का फोल्डर तो साल में एक बार बनाना है ना। अब दोबारा जब कोड रन होगा, देखिए दोबारा जब कोड होगा तो फाइल पाथ एक्सेस दिखा सकते हैं। फाइल एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए। अब जैसे मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो रन करते बोलेगा फाइल पाथ एक्सेस एरर। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है सर, तो एक नाम के दो फोल्डर कैसे बनाएगा? सिस्टम बनाना ही नहीं देगा ना सर। जी जी जी, एक नाम के दो फोल्डर तो सिस्टम बनाना ही नहीं देगा। तो मैं यहां चाहता हूं कि बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो बना है। मतलब कि अगर बना है तो ये लाइन चले ही ना, जो फोल्डर का लाइन है चले ही ना। तो ये चेक करना कि फोल्डर बना या नहीं बना है तो दिक्कत है। लेकिन क्या होता है, जैसे एरर आता है ना, तो हमारे पास एक कमांड होता है कि ऑन एरर रिज्यूम नेट। इसका काम क्या है कि जहां आपने डाल दिया उससे नीचे कहीं भी एरर होगा तो उस लाइन को स्किप कर देगा। जी समझ गए, उस लाइन को स्किप कर देगा। समझ गए जी सर। अब आप लोग इस कोड को एक बार इस पर इससे स्नैपशॉट ले लीजिए। आप लोग कुलदीप जी सब लोग स्नैपशॉट ले लीजिए प्लीज। अभी कोड को आप अपने सिस्टम पे चलाइए, ठीक है? जी जी, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। ये जो हमने आपका जो फोल्डर का एड्रेस दिया है C/ है ना, semicolon/, उसके बाद ये एड्रेस है, इसको भी हम वेरिएबल में ले सकते हैं? इसको जो आपने लिखा है ये MKDIR के बाद, मतलब जो इन्वर्टर जो आपका ए है, मतलब कि पाथ है। हाँ, अगर इसको भी ले लेते तो कोड तो और छोटा होता। हाँ कर सकते हैं तो। यहाँ पे ए कर सकते हैं P=, और पाथ देखिए वेरिएबल्स आपको मैंने पढ़ाया नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता। एक 3-4 क्लास बाद मैं जो आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, तो यही तो आपको करना है। तो आपको इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कीजिए, इसमें कुछ चीज ऐड कीजिए, कुछ चीज डिलीट कीजिए, ठीक है? ये आप एक बार कीजिए और फिर हम कल की क्लास में इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। जी सर बिल्कुल। ओके और कोई दिक्कत होगा तो उसे मैं कॉल कर सकते हैं आप। सर इसमें तो नहीं होगा, ठीक लग रहा है सर। ठीक है चलाइए इसको बना के देखिए, ठीक है? जी सर। ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।